स्वागत करता हूं मैं सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का, और ख़ास तौर पर जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए एक प्री प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने भी कुछ कहा था कि सर हमें कुछ बोर्ड प्रिपरेशन के लिए टिप्स चाहिए, तो बिल्कुल मैंने टिप्स रखे हैं, और टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो एक हाई स्कोर लाने में आप सफल हो जाएंगे। और देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये जो प्री प्लानिंग है, ये जो टिप्स हैं और जो हम एक तरह से प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो इरिस्पॉन्सिबल है या मान लीजिए वो जानते नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम क्या है। बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इज द बेस ऑफ और द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। अगर हम ये देखें कि जो फ्यूचर होता है, हमारा करियर होता है, उसकी नींव होती है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, अगर सही मायने में हम उसको एस्टिमेट करें तो। जितना आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पढ़ते हो उसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है। जो इंटरमीडिएट एग्जाम्स में लूज रहेगा और डीपली स्टडी नहीं करेगा उसको कंपटीशन के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा कंपटीशन के लिए 4 साल 3 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं तो ये मानिए कि वो इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं था। हमने तो ये भी देखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि एडमिट कार्ड आ गया, घूमते रहे, फिरते रहे, इधर उधर जाते रहे, और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन एडमिट कार्ड जेब में डाला, गाड़ी में बैठे चले गए। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ तक ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो पेन पेंसिल और स्केच वहीं एग्जामिनेशन सेंटर में ही खरीदते हैं। मैं झूठ तो नहीं कह रहा। और ऐसे बच्चों का जब पहले दिन का पेपर होता है तो चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, एकदम मस्त, और जब वो पेपर दे के निकलते हैं तो 2-3-4 लोग बाइक में निकलते हैं और ऐसे झूम कर को मस्त चलते हैं रोड पर, और या फिर बाइक में बड़े स्टंट करते हुए जैसे कि किसी पार्टी को सेलिब्रेट करके आए हों। तो बताइए उनके लिए ये यूपी बोर्ड प्रिपरेशन का क्या मायने है, क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं है ना। तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो करियर कॉन्शियस हैं, जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, और जो जॉब सीकिंग है, और अपनी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं जिससे कि उनकी मार्कशीट हमेशा आपको एक एनर्जी देती रहे, एक गौरव, एक उत्साह प्रदान करती। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनिएगा, अगर एक भी बात आपको ये लगे कि ये बात कमज़ोर है कहीं से तो बताइएगा कमेंट करके। हालांकि टिप्स बहुत सारे लिखे हैं लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ 10 टिप्स हैं 10 टिप्स। टिप्स तो बहुत हैं लेकिन 10 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं ये। हर बच्चे को जो हाई परसेंटेज लाना चाहता है, जो मेरिट में आना चाहता है, उसको ये करना ही चाहिए। नंबर वन, सबसे पहला काम है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गलत हो तो बताइएगा, टेक अगर गलत कोई पॉइंट हो तो बताना, कमेंट करके बताना जरूर, अगर एक भी बात गलत निकले। हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ कहीं से शुरू करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मतलब होता है कि कहीं से भी शुरू होता है, लेकिन मैंने यहाँ शुरू किया। सबसे पहली ज़रूरत है अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप अपने हेल्थ का, अपने आप का, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं खाने पीने में, घूमने फिरने में, कहीं गए चोट लगवा ली, कहीं बाइक से गए, कहीं कुछ, तो जब आप ये अपना नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आगे की पॉइंट्स मेंटेन कौन करेगा, हम भाई। चूंकि जब ये आपको पास होगा, ये आप
केयर कर रहे हो तो ये चीजें तभी तो आप कर पाओगे। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से डैमेज हैं, हर्ट हैं, ठीक है ना, और पूरी तरह से किसी तरह से मान लीजिए एक हेल्थ सिक कंडीशन है, सिक हेल्थ है, तो ये फिर तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यू शुड बी हेल्दी एंड फिट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट्स। आपको पहले ये जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट इस बात पर गौर करना पड़ेगा। और यही वो चीज है जिस पर स्टूडेंट ज्यादा माइंड नहीं करते। तो सबसे पहले ये होगा तब ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ। जो काम तुमको करना है उसके लिए सिर्फ तुम ही को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। उसमें टीचर्स, पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आपको उसका लाभ मिलना है, आप जीवन भर उसका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले चूंकि काम आपका है इसलिए सबसे पहले आपको जिम्मेदारी से अपने काम की तरफ ध्यान करना पड़ेगा। कुछ लोग हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी माँ बाप की है, हमारी जिम्मेदारी हमारे स्कूल वालों की है, हमारे टीचर्स की है। लेकिन कॉमन सेंस की बात आप समझिए, अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो इसकी जिम्मेदारी में ही है। क्योंकि अगर मैंने अपने काम में कोई डिफेक्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उसका जो मतलब एक आउटपुट है, उसका जो किसी तरह से लॉस है वो मुझी को बियर करना पड़ेगा, और कोई नहीं, ना मेरे घर वाले करेंगे, ना मेरी फैमिली, ना बच्चे, कोई नहीं। अगर मैं कहीं पर कमी करूँगा तो उसका लॉस मुझे ही होगा। तो अगर आप कहीं पर कमी करोगे तो इसका लॉस भी आप ही को जाएगा, ना टीचर्स को जाएगा, ना पेरेंट्स को जाएगा। पेरेंट्स तो जो लाइफ जी रहे हैं वही जी रहे हैं ना, टीचर्स का जो काम था वो कर रहा है और आप पढ़ के चले गए, इसके बाद उसका परिणाम आप ही को मिलेगा। टीचर्स तो जहाँ पढ़ा रहा है, मान लो पढ़ा रहा है, उसकी वो ड्यूटी है, वो पूरी तरह कर रहा है, पर तुमने उसके द्वारा बताए गए फैक्टर्स को फॉलो नहीं किया क्योंकि तुम जिम्मेदार नहीं थे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको रिस्पॉन्सिबल बनने की कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ, मेरा करियर क्या है और इन सारी चीज़ों के लिए मुझे करना क्या चाहिए। तो आपका जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा पॉइंट है, वह है खुद पहले जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर और एक तरह से डिटर्मिनेशन लाओ कि आई विल डू इट। जिस समय ये निकलेगा आई विल डू इट तो आप जरूर करोगे, एंड आई विल डू इट माई सेल्फ, और मुझे ही करना है और कोई नहीं करेगा। क्योंकि ये सारी चीजें तुम फॉलो करके, इनमें से तुम्हारा इनमें कोई भी पॉइंट ना आपके घर वाले, ना भाई, ना बहन, कोई फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ आप ही को करना है। तो इसलिए पहले तो ये कि आप हेल्दी हो, दूसरा रिस्पॉन्सिबल हो, तीसरा है स्टे अवे। देखना एक के बाद दूसरा पॉइंट कितना जबरदस्त है, और अगर तुम्हें लगे कि ये पॉइंट्स हमको गलत सजेस्ट किए गए हैं या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तीसरा पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आजकल जिसकी ज़्यादा और जल्दी लत पड़ती है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप मैसेंजर हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, कुल मिलाकर के तभी लिखा है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। या ये मैं कहूँगा कि स्टॉप यूजिंग योर स्मार्टफोन। जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए तब तक आप अपने फोन से दूर रहें जहाँ तक संभव हो, एज फार एज पॉसिबल आप उसे न यूज करें। और अगर किसी वजह से यूज करते ही हैं तो दिस शुड बी ओनली वन रीजन, इट शुड बी ओनली वन रीजन एंड दैट इज एजुकेशनल पर्पज। वो सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से ही उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि हर बच्चा सेकेंड ईयर का, इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ईयर का, टेंथ का, यहाँ तक कि नाइन्थ का, ये जरूर महसूस करता होगा हमेशा कि जब कोई
बच्चा फोन ले लेता है और उसमें इंगेज्ड हो जाता है, बिजी हो जाता है, तो वो जानता है कि चाहे वो 1 घंटे बिजी रहा हो, वो 1 घंटे उसमें इस्तेमाल करने के बाद लास्ट में उसका फल या लाभ 0% मिलेगा, लेकिन टाइम 100% जाएगा। मतलब उसके यूज में उनको कोई फायदा नहीं। वीडियो कोई देख लिया, टिकटॉक देख लिया, कुछ भी देख लिया, इधर का उधर मैसेज हो गया, बस बात खत्म। यानी उसका कोई ऑथेंटिक बेनिफिट नहीं है। ऑथेंटिक मैंने इसलिए कहा कि आपने देखा, एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन जो एक रियल होना चाहिए कि हमको ये फायदा मिला, वो नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम टाइम पर इस बात को ध्यान रखना है कि आप अपने फोन से दूर रहें। और ये भी आपकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता हेल्दी रहें, दूसरा जिम्मेदार बने, और क्योंकि ये देखिए बहुत पॉइंट जरूरी है, जब ये चीज़ आपके अंदर आएगी तभी आप कुछ करने के लिए सोचोगे, और नहीं तो नहीं सोचोगे। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप दूर रहें। और चौथा पॉइंट है स्टॉप अटेंडिंग गेट टुगेदर एंड पार्टीज। मतलब गेट टुगेदर का मतलब है जहां 2-4-6 लोग बैठे हों, ऐसी जगह पर कुछ दिनों के लिए जाना बंद करें, अपनी सोसाइटी में, अपनी सर्कल में। छोटी मोटी पार्टी मतलब बर्थडे है या अन्य कोई छोटी मोटी पार्टी है, उनमें थोड़ा सा अगर शॉर्टकट में हो रहा है तो ठीक है, वरना आप उसमें एक लॉन्ग पीरियड बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश मत करें। पार्टीज वगैरह अटेंड ना करें जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, मैरिज पार्टी है या अदर पार्टी है कोई, क्योंकि आजकल बच्चा होता है कि शादी है कहीं बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, कहीं भी, तो जाना ज़रूर चाहता है। लेकिन अगर आपने टारगेट बना रखा है एग्ज़ाम का, वो पार्टी, वो शादियाँ, वो बाद में भी अगले आने वाले वर्षों में भी आप अटेंड कर सकोगे, लेकिन ये ईयर और आपकी ये एग्ज़ाम अगर निकल गई और आप किसी चीज़ को मिस कर गए, तो वो अगले साल या जीवन में और कभी आप हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए स्मार्टफोन जीवन में खूब चला सकते हो, और जो बाइक वगैरह है वो सब चला सकते हो, पार्टीज़ खूब सारी अटेंड कर सकते हो, ये सब कुछ जीवन में मिलेगा। बस कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को समझाना है, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, मतलब एग्ज़ाम से 3 महीना पहले। लेकिन जहाँ तक मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो आने वाली परीक्षा के 3 महीने नहीं हैं, इसलिए जो भी समय बचा है उतने समय तक ही अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को रोकना है। इसलिए इन सारी चीज़ों में बिल्कुल पाबंदी लगा दीजिए, अर्थात कोई पार्टी या अन्य कोई सामूहिक कार्यक्रम को अटेंड मत करिए। ठीक, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं किया तो ये टिप्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मतलब हर एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट करके रखा है और बहुत ही रिसर्च करके रखा कि हाँ ये चीज़ है आवश्यक कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप वीडियो देखिए और पॉइंट समझिए। अगर रियल में आपने कुछ टारगेट बना रखा है, प्लान बना रखा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें महत्वपूर्ण लगेंगी। तो यहाँ पर क्या है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सारा काम टाइम पे ही होना है और हमारे पास एक निर्धारित समय है। ये तो है ना कि जब चाहे तब कुछ कर सकते हैं, निश्चित समय। हमें स्कूल भी अटेंड करना है, होमवर्क भी करना है, और कभी कभी किसी किसी बच्चे के पास अपनी पढ़ाई के अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी परफॉर्म करना पड़ता है। माँ बाप अकेले हैं, माँ अकेले है, पिताजी अकेले हैं, या कोई अकेला काम घर में है जो इसमें नहीं घर वाले कर सकते हैं, तो तुम्हें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट, जितना भी टाइम आपके पास है उसका एक शेड्यूल, टाइम टेबल अवश्य बना लीजिए, वरना कभी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, कभी दूसरा पढ़ा, कभी 10 मिनट पढ़ा, कभी 15 मिनट पढ़ा, कभी घंटों पढ़ लिया, मतलब नॉट ए बेटर मैथड, वो अच्छा तरीका नहीं। इसलिए उसको मैनेज करिए, समय का प्रबंधन
आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरह आपने समय को फिक्स कर दिया है, उस टाइम पर उस दिन पर उतने बजे आपको वो चीज़ उठानी है, ऐसा आप अपने आप को रिजॉल्व करिए। केवल टाइम टेबल बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना। क्योंकि आपने अपने माइंड पे ये सेट कर रखा है कि मुझे बोर्ड प्रिपरेशन में इतने परसेंटेज मार्क लाने हैं, तो मैं समझता हूँ जिसने ये डिटरमाइंड किया होगा वो उस टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करेगा और वो सारे पॉइंट्स फॉलो करोगे। फिर भी इन सब को अगर हम थोड़ा हटा दें माइंड से, तो मैं एक एग्जांपल पहले दे चुका हूँ कि ये टिप्स उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर का, जो मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल यूं ही रखते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो मेधावी छात्र हैं, ये उनकी बात है। और जिन्होंने फ्यूचर में अपना प्लान बना रखा है कुछ, ये उनके लिए। लेट्स प्रोसीड। अगला आपका जो है ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी। इसके बाद कीप ऑन चैलेंजिंग योर सेल्फ, जो अगला पॉइंट है। कीप ऑन चैलेंजिंग योर सेल्फ का मतलब है कि सदैव हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। पिछली बार मेरे इस सब्जेक्ट में 65 आए थे, आपकी बार मैं 75 लाऊंगा। मेरे होम एग्ज़ाम हुए थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे, प्री बोर्ड में एग्ज़ाम हुए थे, और प्री बोर्ड में मेरे इस सब्जेक्ट में 85 आए थे। अब हर हाल में 85 से नीचे नहीं बल्कि 90 या 95 आना चाहिए। अगर आप एक एक सब्जेक्ट का टारगेट बनाओगे, अगर आपने पिछली परीक्षा को गौर नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे कितने आए थे, ये जो भी आए थे चलो ठीक है, आगे का आगे देखा जाएगा, या पिछला सब कुछ भूल गए फिर आप अपने उसी ढर्रे पे काम कर रहे हो, तो ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप चैलेंज करोगे कि मैं पिछली बार इतने लाया था, हर कीमत पर मुझे इससे 5 नंबर ज़्यादा ही लाना है, तो जब हर सब्जेक्ट में आप ये सुनोगे, ये करोगे, तो अगर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं तो समझ लीजिए परसेंटेज आपका 25 से 30% बढ़ गया। कुल मिलाकर 25 और 30 अंक बढ़ गए। हर सब्जेक्ट में 5 अंक लेकर चलो, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 25 अंक बढ़ते हैं, और 25 अंक में ये 25,000-25,00,000 स्टूडेंट को फाइट करेगा। ऐसे मैनेज किया जाता है। तो जरूरी ये है कि आप हमेशा अपने आप को चैलेंज करो, ये कैसे नहीं आएगा, ये क्यों नहीं कर पाऊंगा, इतने अंक क्यों नहीं आएंगे, मेरे इतने थे 500 में, मतलब मेरे 420 थे या 400 थे या 398 थे, 400 बिलो थे, 400 आना चाहिए, 420 थे और मेरे 430 आने चाहिए, 450 आना चाहिए। जब मैं खुद को ही चैलेंज करता रहूँगा, ये मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, ये तो मैं कर ही लूँगा, और सब कोई कर सकता है ऐसा, ये समझ लें। निश्चित तौर पर ये करना चाहिए। कोई ना कोई काम ऐसा होता है आदमी के जीवन में जिसमें लगता है कि वो शायद नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो चैलेंज करते कैसे नहीं कर पाऊँगा, तो कर जाएगा, निश्चित तौर पर कर जाएगा, और उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप चलते हैं पेपर की तरफ। क्या है मतलब, ये तो ऐसी चीज़ें थी जिनमें सेल्फ प्रिपरेशन थी, सेल्फ मोटिवेशन था, खुद को तैयार करना था। तो यहाँ खुद को तैयार करना समझो जरा। अगर हम देखें तो 6 नंबर तक आप खुद ही को तैयार कर रहे हो, और इसके बाद सिर्फ 4 पॉइंट ऐसे बचते हैं जिनमें आपको कुछ ध्यान देना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जितना ज़्यादा कोई बच्चा अपने आप को तैयार करता है, किसी तरह से रिजॉल्व करता है, डिटरमाइन करता है, एक इंटेंशन बनाता है, ठीक, अपने आप को मजबूत करता है, तमाम चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल करता है, रोकता है, तो समझ लो जब इतना कर जाएगा तो वह फिर अच्छा तो पड़ेगा पड़ेगा। इसलिए खुद को तैयार करने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं 7वीं की तरफ। जब भी आप पेपर दें तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि आपने जो लिखा है उसमें सफाई हो और एक अच्छी राइटिंग हो। अब कुछ कहेंगे कि सर जी अच्छी राइटिंग ना बनती हो तो, अच्छी राइटिंग पहली बात तो क्यों ना बनती हो, क्योंकि तुमने 12 साल किए क्या है, लिखा ही तो है। लेकिन अब ये बात अलग है कि गैर जिम्मेदारी से लिखा है और राइटिंग नहीं बनती है, तो इसमें भी दोष आप ही का है। फिर भी जैसी भी बनती है कटिंग को अवॉइड करें, सफाई से लिखें। जब आप कटिंग अवॉइड करेंगे, कटिंग तो हो ही जाती है, एरर इज ह्यूमन, लेकिन फिर भी कुछ कम थोड़ा जिम्मेदारी से लिखें। और दूसरी बात यह है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से राइटिंग बनाएं, स्केच पेन का प्रयोग करें, हाशिया अच्छे से बनाएं, यानी कि जहाँ से पन मनाया वहीं से लिख दिया, एक लाइन इधर ले ली, दो लाइन इधर लिख दी, दो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ना ना सिस्टमैटिक आंसर दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में सॉल्व करिए, और जो ना आता उसको भले ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक क्रम रहना चाहिए। और फिर ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई आइडिया नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को या उन प्रश्नों को करिए जो प्रश्न आपको बेहतर तरीके से आते हैं। इससे ये क्या मिलेगा, इससे ये कि आपके आंसर की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा। तब तक अन्य क्वेश्चंस जिनमें आप 50% श्योर हैं, 20% श्योर हैं या 10% श्योर हैं, उनके लिए धीरे धीरे थॉट्स आएंगे, हो सकता लास्ट तक आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद आ भी जाए। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपके आंसर शीट में सफाई और अच्छी हैंडराइटिंग पर जोर दिया गया। कुछ लोग इतना शुरू से ही घसीटना शुरू कर देते हैं, इतना खराब लिखते हैं कि कुछ पूछो नहीं। तो देखो, सब जानते हैं बच्चे कि नंबर कैसे और किस तरह से मिलते हैं। साफ सुथरी राइटिंग जब होगी, अच्छा लिखा होगा, तभी मिलेंगे। इसके बाद द मेन सिलेबस बुक इज इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम टाइम पर इसको ड्रॉप कर देते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स, कई अन्य चीज़ें जो मार्केट में उपलब्ध हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इसको नहीं छोड़ता है वह इस एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर्ड हो ही जाता है, बल्कि इसकी मदद से वो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाता है। तमाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ऐसे देखिए जिनमें लिखा होगा कि ये किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया, सब उसी में मिलता है आपको। लेकिन बहुत सारे जो बाज़ार में उपलब्ध मॉडल पेपर होते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि वो बेकार होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन आप उनको पढ़िए, लेकिन आप इसका बेस बिल्कुल मत छोड़िए। इंग्लिश की जो बुक हो उसका बेस मत छोड़िए, वो आपको निरंतर पढ़ना है और सारे टॉपिक पढ़ने और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना। इसलिए सिलेबस की जो मेन बुक हो, ठीक है ना, उसको आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसको आप पढ़ना बंद नहीं करोगे, उसके चैप्टर्स रिवाइज में पक्का रहना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तमाम नहीं बताऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद वर्क ऑन वीक एरियाज और वीक पॉइंट्स। जिस विषय पर जो पॉइंट आपको ज़्यादा वीक लगता है, ज़्यादा कमज़ोर लगता है, आप उस पर ज़्यादा काम करें। कोई ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आप अच्छे नहीं बना पाते, जिसके सम्स आप ठीक से नहीं लगा पाते, जिसके फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, तो आपको हमेशा वीक पॉइंट टच करना है, और वीक पॉइंट जरूर टच करना है, रिविज़न तो एक अलग की बात है। मान लीजिए अगर आपको सिंथेसिस में प्रॉब्लम है इंग्लिश में, या मान लीजिए आप कोई और टॉपिक सिंटैक्स वगैरह है, तो ज़्यादा रिवाइज करिए, उनको ज़्यादा देखिए, उनको ज़्यादा समझिए, उनके रूल्स पढ़िए, एक आध कहीं पर हैं जहाँ से माइंड पे कोई रूल आया था और चला गया, समझाया था सर ने और नहीं आया, तो दोबारा भी पूछिए क्लास में, और इसके बाद उनके एग्जाम्पल्स पढ़िए। हर बुक में सबसे अच्छी बात होती है कि हर चैप्टर में उसके एग्जाम्पल्स जरूर दिए होते हैं, उनसे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और मिलने भी चाहिए और उनको लेनी भी चाहिए। तो वीक पॉइंट्स को ज़्यादा टच करो। इसके बाद है, ये हो गया और ये हो गया, और अब लास्ट बचता है सॉल्व पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स या फिर क्वेश्चन सेट। वही चीज़ है कि अगर पिछले साल कोई पेपर पूछे गए हैं तो आप उन्हें सॉल्व करिए। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस आता है। वो बच्चा
जो एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, कीपिंग टाइम इन माइंड, दिमाग में समय को मैनेज करते हुए, तो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर उसको नया नहीं लगता। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में वो 25% पेपर को इजीली आसानी से करता है, साथ में 25% टाइम अपना अन्य विद्यार्थियों के पीछे बचाता भी है। जिन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया उनको 15 से 20 मिनट क्वेश्चन पेपर का जो प्रोफाइल है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसको समझने में उनको 20 से 25 मिनट तक चले जाते हैं कि पूछ क्या रहा है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। तो उन्होंने पहले से उसको देखा नहीं है। जब पहले से देखा नहीं तो जब क्वेश्चन पेपर आता है तो 10 से 15 मिनट उनको वो पढ़ने में तो चला ही जाता है, समझने में चला जाता है कि इसमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा है, मतलब ये सब एक प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है, उससे कुछ नहीं होता। तो ये थे मेरे 10 पॉइंट्स जिनमें तुमको फॉलो करना है, और अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको कमज़ोर लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आता हूँ अपने विषय की ओर, इसको भी जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चार आपके सेक्शन होते हैं मेरे पेपर में, मेरे पेपर यानी इंग्लिश के पेपर में। तो पहले होता है रीडिंग, जिसमें होता है अनसीन, और ये होता आपका 15 नंबर का। सॉल्व करने की विधि ये है कि जिस समय आप पेपर को सॉल्व करें, ये पॉइंट्स हर विषय में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ मैं अपने सब्जेक्ट का पेपर बता रहा हूँ जो आप इंग्लिश का देंगे। अनसीन पैसेज स्टार्टिंग होगी, अनसीन पैसेज 15 नंबर का होता है, चार क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे, ठीक, और 3 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो ये हो जाएगा 12 का और ये हो जाएगा 3 का, इक्वल 15 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो अब अनसीन जब आएगा तो अनसीन का मतलब होता है अपठित, आपने पहले से पढ़ा नहीं है, और जब पहले से पढ़ा नहीं है तो आपको उसमें थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप पैराग्राफ को पहले एक तरह से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, लेकिन ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ जाइए जो उसके नीचे हो। तो सबसे पहला काम करिए क्वेश्चन। आप सोचोगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ें, बिल्कुल पहले क्वेश्चन पढ़िए, निश्चित तौर पर जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो पैराग्राफ पढ़ते समय आंसर आपके माइंड पे या वहाँ पर मिलने लगेंगे जो आपने क्वेश्चन पढ़ा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भले ही आप अभी क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिस समय आप पैरा पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो उस समय आपको आंसर का आइडिया होता जाएगा। तो जिस समय आपने आंसर पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो हो सकता है आपको पूरी तरह पैराग्राफ समझ में ना आए, तो आप एक काम करिए कि थोड़ा सा स्पीड में पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए उसको। ऐसे में क्वेश्चन चूंकि पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया ज़रूर आएगा कि ये बात क्वेश्चन वाली यहाँ की गई है। उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए या थोड़ा थोड़ा टिक लगा दीजिए, कवर कर दीजिए, ऐसे ही पूरे पैराग्राफ में कर दीजिए। तो जिस समय 15 क्वेश्चन जितने भी 4 ये और 3 ये करेंगे, इसमें वो कैप्स होती है 1-1 नंबर के, कहीं सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स या फ्रेज का मतलब पूछता है, मिलना पैराग्राफ में, पैराग्राफ से बाहर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये सोचना है कि जब पैराग्राफ से बाहर नहीं मिलेगा तो हम कैसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम पूरी तरह दिमाग खर्च करेंगे उसमें तो अच्छी तरह से हम आसानी से पैराग्राफ ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा। जब आंसर मिले तो उसको कोशिश करिए कि उसको अपने शब्दों में लिखें, बिल्कुल हूबहू आप पैराग्राफ की लाइन को उतारने की कोशिश ना करें, इसमें पूरे नंबर और अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। और ये आंसर देने का एक अच्छा मेथड भी नहीं है, लाइन में आंसर मिल जरूर रहा है लेकिन आप उसको उठाकर ऐसे रख देंगे तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाएंगी और कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि जो क्वेश्चन कह रहा जितना उतना आपको हर हाल में वहाँ से लाना ही है, और जो फालतू है उसको हटाना है। तो ये तब कर पाओगे जब आप अपने शब्दों में आंसर दोगे तब, और यही आपको पैराग्राफ में करना है पूरे में। तो ज़्यादा डिटेल्स देने की क्या ज़रूरत है, एक क्वेश्चन का आंसर आप जैसे करोगे वैसे सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें करना है, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैराग्राफ पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। पता चले कि जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक पढ़ ही रहे हो, ऐसा नहीं है।
वो कमीशन कम आपको 70 या 80% समझ में आ जाएगा। इजी है तो 100% आएगा, वरना हर स्टूडेंट को ऐसा होता है कि 70-80% ही आता है और उसमें वो उसका सेंस पकड़ लेता है, समझ जाता है किस विषय में, और वो फिर पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट इजिली कर लेता है। बी पैराग्राफ में राइटिंग आर्टिकल और लेटर, ये आपका 20 मार्क्स का होता है, जो कि 10 का ये होता है और 10 का ये होता है आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल एक लेख होता है, कोई आपको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक चाहे वो प्राइस राइस का टॉपिक हो, मोबाइल फोन्स का टॉपिक हो, या मान लो वैल्यू ऑफ गेम्स हो, ये जो भी हो एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब ये है कि अपने थॉट्स लिखने अपने अकॉर्डिंग, कि वैल्यू ऑफ गेम्स, गेम्स की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक्स की वैल्यू क्या होती है, मतलब इस पर आपको अपने थॉट्स देने। भले ही आपने बुक में पढ़ रखा हो या टीचर ने पढ़ा दिया हो, लेकिन ये मानकर चलिए कि जब आप लिखना शुरू करोगे तो इसमें अपने ही थॉट्स होते हैं, इसलिए इसमें आपकी जितनी जानकारी जिस टॉपिक में ज़्यादा हो और अच्छी हो उसी टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप कितना भी पढ़ के जाओ, पॉइंट्स तो आप उससे उठा सकते हो, लेकिन लिखने की जो स्टाइल है, लिखने की जो शैली है, वो तुम्हारी रहेगी। इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे सेंटेंस बनाएं और अच्छे ढंग से अपनी बात का क्रम बनाएं और धीरे से लिखते चले जाएं। ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं जाता है, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का लिखा जाता है। और सबसे अच्छी बात आर्टिकल में ये है, क्योंकि आर्टिकल ज़्यादातर बुक्स वगैरह में एक पैराग्राफ में लिखा होता है, तो आप क्या करें वो पैराग्राफ को अवॉइड करें। अगर उस पैराग्राफ में 2 या 3 हेडिंग बना लेते हैं तो जांचने वाले को इतनी सुविधा हो जाएगी कि आपको 10 नंबर के नज़दीक पहुंचा करके अंक देगा। और अगर एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया है तो उसको आपके पैराग्राफ को समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, और वो पूरा पढ़ेगा तो टाइम लगेगा, और ऐसे में वो पढ़ेगा नहीं बल्कि वो एक एवरेज मार्किंग करके आगे बढ़ जाएगा। भले ही कोई पढ़े ये पूरी तरह कहानी जैसे तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसको परेशानी होगी। सुविधा कब रहेगी, जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर उसके हेडिंग लिख दिए, फिर दूसरी हेडिंग लिख दी, लास्ट में कंक्लूजन लिखकर ख़त्म कर दिया, तो वो हेडिंग के जरिए आपके टॉपिक का मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। आउटलाइंस बहुत बड़ा मतलब काम होता है, कि आर्टिकल में आउटलाइंस अगर हो गई तो समझ लीजिए आपको अच्छे अंक मिलने ही मिलने हैं, बस ये आउटलाइंस ठीक बन गई हो काफ़ी हद तक। फिर बीच में मैटर आपने डाल दिया, लिखना आपको वैसे भी उतना ही है जितना पैराग्राफ में लिखना है, और अगर छोटी छोटी हेडिंग बना दी तब भी वही लिखना है, लेकिन ये है कि ऐसे में जांचने वाले को सुविधा होगी, जब जांचने वाले को सुविधा होगी तो 100% आपको भी सुविधा मिल जाएगी, पक्का है। लेटर में क्या होता है, लेटर देखो अभी जब मैंने लेटर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हमको लिखना होता है, सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। तो लेटर में टॉपिक क्या होता है, उस टॉपिक पर फोकस करो, मेन चीज़ है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, तो बॉडी ऑफ द लेटर या हेड ऑफ द लेटर, सॉरी बॉडी ऑफ द लेटर, हेड तो ऊपर वाला होगा, बॉडी ऑफ द लेटर ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ मेन चीज़ है, वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ हमें सेंटेंस सही बनना चाहिए, बाकी लिखने का ढंग, उसकी शैली, तो ये प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है। आप बुक में देख लीजिए जहाँ पे ये लेटर्स लिखे होते हैं, उनसे उसका फॉर्मेट देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, और वहाँ से समझ लीजिए कि अपनी बात कैसे रखी जाती है। जैसे हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं प्रधानाचार्य जी को, या फीस माफ़ी के लिए लिखते हैं, या सब्जेक्ट चेंज के लिए लिखते हैं, इसी तरह से अपनी बात पूरी लिखी जाती है। पर्सनल लेटर है तो किस तरह से लिखा जाता है, ऑफिशियल है तो कैसे लिखा जाता है। चूँकि ये बुक में देखेंगे तो उससे आप बार बार देख लेंगे 2-3, तो लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, बाकी उनमें टॉपिक चेंज होता रहता है। फिर भी ये 10 नंबर का है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने लिखा है हाउ टू राइट लेटर, एक वीडियो पढ़ा है, उसको आप देख लीजिए, तो लेटर लिखने का आपको आइडिया मिल जाएगा। अब हम ग्रामर पोर्शन में आते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में क्या है कि ये नरेशन होता है, सिंथेसिस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और सिंटैक्स होता है। दिस इज द मैटर ऑफ मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड लर्निंग। ये वो चीज़ है जिसमें हमें सब कुछ करना होता है,
अगर हम ये इसमें कहें कि हमें रूल्स केवल पढ़ना होता है आ जाएगा, तो इनकम्प्लीट आंसर है। अगर हम इनमें ये कहें कि हम प्रैक्टिस करें और हमें सभी आ जाएगा, इनकम्प्लीट आंसर है। अगर हम ये कहें कि इसको हम याद करें हमें याद आएगा, इनकम्प्लीट आंसर, बिकॉज दीज थ्री प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर दिस सेक्शन, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। इसमें रूल्स भी जानकारी चाहिए, इसमें लर्निंग भी चाहिए, और इनमें प्रैक्टिस भी चाहिए, और एक लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना। सिंटैक्स में पूरी तरह से आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमारे माइंड पे पड़े होना चाहिए। प्रीपोजिशन का है, कंजंक्शन का है, एडवर्ब्स का है, ये सारी चीज़, एडजेक्टिव्स का है, प्रोनाउंस का है, आर्टिकल्स का है, ये सब पढ़े होना चाहिए। नरेशन में कॉन्सेप्ट चलता है, सिंथेसिस में कॉन्सेप्ट चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट प्लस रूल्स चलते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट भी है, रूल्स भी, कि अगर कोई चीज़ आ गई कि इसमें ऐसा होता है तो उसमें वैसे ही करना होता है, ये होता है। सिंटैक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल थ्री काइंड्स ऑफ टॉपिक, ये जो तीन टॉपिक लिखे उनका कलेक्शन है सिंटैक्स। इसलिए पहले ये प्रिपेयर हो फिर ये प्रिपेयर हो। हालांकि ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है ग्रामर का, क्योंकि इसमें सही तो सही हो गया और गलत तो गलत हो गया, कोई चांस नहीं होता। तो ये सभी जानते हैं, क्योंकि इनमें कोई नया स्टूडेंट है जिन्होंने केवल नाम सुना है उनके बस की बात नहीं है, और जो पढ़ते रहे उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या लगता है। इसलिए बी केयरफुल टू दिस टॉपिक। वोकैब्स में आते हैं, और ये सब पूरा कितने का होता है, ये जो पूरा होता है इतना, यहाँ तक अगर हम इसकी बात ना करें तो ये इतना, यानी वोकैब्स, सिंटैक्स और ये पांच टॉपिक, ये 20 नंबर के होते हैं, और ये स्टोरी आपकी 5 नंबर की होती है। वोकैब्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ लर्निंग चाहिए, मतलब अच्छी तरह से आप मेमोराइज करें उसको, और ये भी आपको बार बार पढ़ पढ़ के ही आता है, छोटे बच्चों की तरह आप याद नहीं कर सकते इसको। इसलिए इसको आप क्या करेंगे कि ज़्यादातर अभ्यास में रखें वो कैप्स को, ठीक है ना। ये पूरा आपका 20 नंबर का होगा, स्टोरी आपकी 5 नंबर की होगी। स्टोरी इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन, हर तरह का ट्रांसलेशन आता है तो स्टोरी बन जाएगी। स्टोरी जब भी बनाए तो पहले वाले सेंटेंस पर फोकस करें, पूरी स्टोरी की तरफ ध्यान न दें, मतलब स्टोरी ट्रांसलेट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंडिविजुअल सेंटेंस, मतलब एक केवल एक अकेले सेंटेंस पर फोकस करो। जब एक अकेला सेंटेंस बन जाए तब दूसरे पे फोकस करो, फिर तीसरे पे करो, पूरी स्टोरी को माइंड पे मत रखो। एज अ ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन बन गया, उसका नाम दिनेश है, वह दिल्ली में रहता है, तो पहले उसका नाम दिनेश है, इस पे फोकस करो। वह दिल्ली में रहता है, फिर इसको फोकस करो ना, उसके चार भाई, फिर इसके फोकस, तो ऐसी स्टोरी में ये चलेगा। ऐसी स्टोरी आसानी से बन जाती है। बाकी मीनिंग का और ट्रांसलेशन, टेंसेस, हर प्रकार के सेंटेंसेस का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। फिलहाल आते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में प्रोज 15 नंबर, पोएट्री 10 नंबर और सप्लीमेंट्री 15 नंबर। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दो शॉर्ट होते हैं, 8 नंबर का एक लॉन्ग, 7 का। इसमें दो शॉर्ट, 8 नंबर का एक लॉन्ग, 7 का। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक स्टैंजा होता है 6 नंबर का, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का। तो ये क्या है, आपको यहीं पे ज़्यादा समझाना ज़रूरी है। प्रोज एक्चुअली क्या है, जितने भी लॉन्ग टॉपिक हैं, चाहे आर्टिकल हो या फिर लेटर हो या लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर में जिसने चैप्टर रीड कर रखा है और चैप्टर की कहानी पता है, स्टोरी कहानी पता है, तो फिर उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि कहानी पता है और उस चैप्टर के अंदर ही वो क्वेश्चन पूछेगा, बाहर नहीं पूछेगा।
देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन में पॉजिटिव रहना, मतलब सकारात्मक रहना। जिस समय आप हर एक चीज को पॉजिटिव ले रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूं और आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो कि हाँ ये बात सही है, तो आपको कोई भी चीज समझने में और फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बता रहा हूं कि ऐसा कर रहा हो, तुम हमारे मन में आ रहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहा, तो फिर आप मेरी बात तो फॉलो कर ही नहीं पाओगे, तुम अपने जो प्लान बनाए हो खुद के वो भी नहीं फॉलो कर पाओगे। नोट कर लीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जब तुम किसी की ठीक बात पर क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो वो तो फॉलो करोगे ही नहीं, तुम खुद भी कोई प्लान नहीं बना पाओगे, खुद भी कोई आप आइडिया अगर ला रहे हो तो उसको भी नहीं फॉलो कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। ये समझ ले, क्योंकि खुद के आइडियाज और खुद के प्लान्स फॉलो करने होते तो कब के कर चुके होते, फिर दूसरे के सुनने या उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिंपली देखिए, जब आदमी खुद को ही अपना आइडिया कुछ नहीं आता, खुद नहीं जान पाता है कि उसको क्या करना चाहिए, खुद को मालूम नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, तभी वो दूसरे को सुनता है, और जिस समय दूसरे को सुना उसको भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके पास और कोई रास्ता बचे नहीं। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए कि अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो वो कितनी सही बात कर रहा है, कितना परसेंटेज उसकी बात में सही का है, क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या वाकई में फायदा होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड की पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, कि जिस समय आप लॉन्ग कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, स्टोरी आपकी ऑलरेडी पढ़ी भई हो, और कोई भी क्वेश्चन अगर वो करेगा तो आपकी उस स्टोरी उस चैप्टर से ही करेगा, बाहर से नहीं करेगा। I mean, जो आपकी पहले बुक है वहीं से आंसर आने, वहीं से क्वेश्चन आने, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो फिर आप अंदर से घबराहट मत लाइए। शॉर्ट आंसर में क्या होता है, मोस्टली रिवीजन की जरूरत है, जितने भी शॉर्ट टॉपिक होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं या वन वर्ड आंसर होते हैं, उनको रिवीजन की जरूरत है। लेकिन जिनमें लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, या फिर जैसे लेटर है या आपका आर्टिकल है, इनमें रिवीजन नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। रिवीजन तो होगा ही, अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, स्टोरी का पूरा कलेक्टिव सेंस क्या है, कहां पर क्या हुआ। अगर द लास्ट लेसन है तो उसका क्या थीम थी, MML क्या कर रहा था, वहां पर क्लास में कौन कौन बैठा था, लास्ट के बेंचेस में कौन बैठा था, बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था, और कौन कौन से राज्यों पर कब्जा कर लिया था, बस समझ ना। तो इस तरह से मतलब वहां पर हमको ये देखना पड़ेगा। अगर हम उसको कलेक्टिवली हर ग्राउंड को हम टच किए बैठे हैं तो फिर आ जाएगा तो पक्का लिख लेंगे। कोई भी स्टोरी हो, कोई भी लेसन, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो द लॉस्ट स्प्रिंग हो, या फिर सप्लीमेंट में ले लीजिए तो चाहे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हो, द थर्ड लेबल हो, कहानी बर पता हो। और एग्जाम से पहले अगर आप कोई कहानी भूल रहे हैं तो उसको पढ़ जरूर लीजिए। कहानी पढ़ लेंगे तो फिर बाकी बचेगा आपका एक्सप्रेशन, आपका ट्रांसलेशन कि कैसे लिखते। और जिसको ये करना नहीं आता कि वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, अपने थॉट्स इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख नहीं पाएगा, तो उसके लिए भी एक रास्ता है, लेकिन है सिर्फ एक ही रास्ता, और वो है कि वो सारी चीज़ें याद करें छोटे बच्चों की तरह। और मैं समझता हूँ कि ये सब करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा काम करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आज भी काम करेगी, कल भी करेगी, आगे भी करती रहेगी, इसलिए सबसे ज्यादा है अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद सुनिए, तो देखिए प्रोज में क्वेश्चन आंसर आएगा, दो शॉर्ट आएंगे, ठीक है ना, और एक लॉन्ग आएगा। इसमें भी यही है, सप्लीमेंट्री में दो शॉर्ट आएंगे और एक लॉन्ग आएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें स्टेंजा आएगा, जिसमें से तीन क्वेश्चन करेगा, दो दो नंबर के होंगे, छह नंबर का होगा, और एक फिर बचेगा सेंट्रल आइडिया जो चार नंबर का होगा, वो चार नंबर का होगा, इसलिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया
मैं आपकी 5 पोएम आनी है, टोटल 6 पोएम है, रोड साइड स्टैंड अप की आएगी नहीं, मतलब जो 5वें नंबर पे लिखी वो नहीं आएगी, जो लास्ट नंबर पे 8 जेनिफर्स टाइगर्स वो आएगी। तो इसमें जो मैं सही एक तरीका बता रहा हूं, 6 पोएम आए, 5 पोएम है, 5 में से अगर 3 आपने प्रिपेयर कर लिए हर हालत में, 3 स्टेंजा भी प्रिपेयर कर लिए, सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं समझता हूँ 3 सेंट्रल आइडिया में आपको एक पक्का फंस जाएगा। और ऐसे जितने ऐसे मतलब स्पॉटेड आंसर होते हैं इनमें फिर आपको याद ही कर लेना चाहिए। तो देखिए ज़्यादातर कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66, ये तीनों पोएम्स थोड़ा ईजी हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है, ये स्टैंजा के नज़रिए से भी ईजी हैं और सेंट्रल आइडिया के नज़रिए से भी ईजी हैं, इसलिए 3 पोएम स्टैंजा और सेंट्रल आइडिया इन्हीं 3 पर फोकस कर दो, 2 को ड्रॉप कर दो, 2 स्टैंजा आएंगे ऑप्शन में और 3 सेंट्रल आइडिया आएंगे ऑप्शन में, तो 3 सेंट्रल आइडिया में एक आपको मिलना तय है, तो 4 नंबर पक्के, इनको याद कर लो सेंट्रल आइडिया तीनों, और 3 पोएम के स्टैंजाज भी देख लो, लेकिन अगर समय मिले तो सभी के देख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना समय हो तो फिर इतना जरूर करना चाहिए। ऐसे आप जाकर के 10 नंबर पक्के कर सकते हो, 10 नंबर पक्के कर सकते हो, बस इसमें यह है कि स्टैंजाज आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैंजा से जो क्वेश्चन आते हैं ना अब वो थोड़ा टफ आते हैं। इससे पहले क्या था, स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना पड़ता था, प्रोज में भी आपको एक्सप्लेनेशन ही आता था, अब पूरा जो है पेपर का जो भी नमूना है वो पूरा बदल गया, पेपर का फॉर्मेट चेंज हो गया पूरी तरह से। इसलिए जैसा तरीका आपको शॉर्टकट में बताया गया, मैंने ज़्यादा टाइम तो खैर लगी गया बहुत, लेकिन फिर भी मैंने जितनी बातें बताई हैं वो अगर फॉलो करेंगे तो जो आप एक मेरिटोरियस परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को पहले ध्यान देना पड़ेगा जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, और ये फिर पर्सनली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको टच में रखना पड़ेगा, बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। वोकैब्स तो आपको वोकैब्स आपके टाइम टेबल में पर डे होना चाहिए, पर डे सुबह शाम पर डे होना चाहिए वोकैब्स, सारे एडियंस, होमोफोन्स, कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्योंकि इनमें वर्ड वन आंसर होता, वन वर्ड अगर आपने मान लीजिए ऑप्शन दिया ये सेलेक्ट कर दिया तो अगर वो सही है तो ठीक, वरना कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि लॉन्ग आंसर में क्या होता है कि अगर आपने बना के भी लिख दिया है तो 7 नंबर में 4 नंबर 5 नंबर मिलना तय है, लेकिन वो कैप्स में ऐसा भी नहीं है कि 2 नंबर का है दूसरा आपने सेलेक्ट कर दिया है तो आधा नंबर मिलना है, कोई नो चांस, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये लिखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका सही है तो नंबर है और नहीं है तो नहीं, बल्कि उसकी स्पेलिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्पेलिंग गलत होगी तो भी चला जाएगा, आता हुआ चला जाएगा, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आर्टिकल और लेटर्स को वीकली या फिर अल्टरनेट वीक में 2 बार रिवीजन में रखना पड़ेगा, कुछ ना करिए आप इनको देखते भर रहिए, टाइम टेबल बगैर बनाए आप मेरिट में नहीं आ सकते हैं, एक हाई परसेंटेज नहीं ला सकते हैं, ये समझ लीजिए। इसलिए इनको अल्टरनेट रखिए, वीक में सप्ताह में वो कैप्स को पढ़े रखिए, इनको आप वीकली या फिर अल्टरनेट इनको भी रिवीजन में ला सकते हो, और लिटरेचर में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप लगभग डेली रख सकते हैं, और जो लॉन्ग आंसर हैं उन्हें आप वीकली रख सकते हैं, बल्कि लॉन्ग आंसर के लिए स्टोरी आप रीड करें जहाँ पर भूलें, पोएम का सेंस अर्थ पढ़ें, पोएम का अर्थ उससे भी आपको मदद मिलेगी, कुछ विशेष प्रकार के फ्रेजेस और वर्ड्स आ जाते हैं स्टैंजाज में उनको भी आप देखें उनका मतलब क्या होता है, ये सब शॉर्ट दिए रहते हैं मॉडल टेस्ट पेपर या गाइड वगैरह में दे रहे तो उनको पढ़ना है। सेल्फ प्रिपरेशन हो सकती है, पूरे पेपर की पूरे एग्जाम की किसी के हेल्प या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो, एंड आई प्रॉमिस इफ यू फॉलो दीज पॉइंट्स नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग हाई मार्क्स
इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये मेरा वादा है आपसे, अगर इनको फॉलो करते हैं। फिर भी मेरे पास बहुत सारी अभी बातें हैं जिन्हें और मैं बताना चाहता था, लेकिन अब यह है कि इतना बता दिए, इनमें कोई ज़रूरी बात नहीं बची है। फिर भी इन चीज़ों को तैयार करने में आप पूरी तरह से एक टाइम टेबल अगर सेट कर लेंगे। अनसीन पैसेज को ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता, पर जहाँ पर अनसीन पैसेज सॉल्व करने के पॉइंट्स लिखे हैं कि मतलब पहले हमें क्वेश्चन पढ़ें, फिर पैराग्राफ पढ़ें, फिर पैराग्राफ से हम सेंस लें, आइडिया लगाएं किसके बारे में है, फिर उसको हम बनाकर लिखने की कोशिश करें, ऐसा करके अगर आप फॉलो कर देंगे तो अनसीन पैसेज में चाहे जैसा हो और जो भी बताया गया हो, बिल्कुल ना पढ़ा हो, फिर भी आप उसको कवर करके आएंगे। और समझ लीजिए 15 नंबर का अकेला है ये, 15 नंबर का मतलब इतने नंबर का मैक्सिमम मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना पूरे क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये आर्टिकल 10 नंबर का है, लेटर 10 नंबर का है, ग्रामर में ये सब मिलाकर 20 नंबर के, स्टोरी 5 नंबर की है। इसमें देखिए ये प्रोज के शॉर्ट आंसर 8 के और लॉन्ग 7 का है, और इसके बाद इसमें भी सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर 2 हैं 8 नंबर के और लॉन्ग 7 नंबर का है। पोएट्री में स्टैंजा 6 नंबर का है और सेंट्रल 4 नंबर का है। ये अनसीन पैसेज ओनली 15 नंबर का है, ये समझ लीजिए। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी, आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट करके बताएं, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी करें चैनल, और लाइक ज़रूर कर दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको फॉलो करिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।